गाइस थोड़ा रिस्क का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गाइस रास्ता है ही नहीं। सब नाचेंगे गाइस, सब बहुत देख सकते हो मुस्कान, इनकी मुस्कान देख सकते हो, बहुत ही एक्साइटेड है, जाएंगे मस्ती करेंगे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे ब्लॉग पर। आशा करता हूँ सब लोग अपने घर घरों में अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है ट्रैवल ब्लॉगिंग, क्योंकि गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी मौसी की शादी में, जहाँ पर एक प्रोग्राम है और रिसेप्शन वगैरह पार्टी वगैरह भी होगी। तो हमें मौसी ने इनवाइट किया था 10 दिन पहले ही, तो हमने सोचा कि सेकंड ब्लॉग बनाया जाए इस टॉपिक पे। तो चले गाइस चलते हैं हमारे मौसी के घर में, और हम चार लोग हैं, मैं और हमारी धन्नो एंड जो कैमरामैन हमारा दोस्त और दूसरा किशोर। तो चले गाइस चलते हैं। फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं बाइफरकेशन में, यहाँ से थोड़ी दूर है हमारी मौसी के घर। तो गाइस शादी थोड़ी बाद है, एक दो दिन बाद, तो एक दो दिन हम लोग करेंगे इंजॉय, पहले जाएंगे मौसी के घर। क्योंकि गाइस मौसी के घर नहीं है कोई, हम तीन लोग हैं, जाएंगे आराम से, बतख वगैरह है, काटेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। तो चले गाइस फिलहाल टाइम के लिए यहाँ से चलते हैं, एंड थोड़ा सा सिनेमेटिक सीन देख लीजिए आप बाइफरकेशन का। चले कैमरामैन दिखाइए। ये देखिए दो भड़वे क्या कर रहे हो आपको आपको कैसा लग रहा है शादी में जाके, कैसे एंजॉय करेंगे आप? ऐसे नाचेंगे, अगर डीजे ना लगे तो लगवाएंगे, मुजरा करेंगे। मुजरा करोगे? तुम क्या करोगे भाई साहब? हम डिंचिक डिंचिक। सब नाचेंगे गाइस, सब बहुत देख सकते हो मुस्कान, इनकी मुस्कान देख सकते हो, बहुत ही एक्साइटेड है, जाएंगे मस्ती करेंगे। तो चले गाइस चलते हैं फिलहाल टाइम के लिए। सो गाइस आप देख सकते हो ये रही हमारी रोड की हालत, यहाँ से गाइस हम डेली जाते थे मामा के घर, लेकिन इन भोसड़ी वालों ने, गांव वालों ने ये कर दी रास्ते की हालत। देख सकते हो हमारी स्कूटी चल रही है 5 की रफ्तार से, पीछे गाइस एक डल्लब आगे हमारे आगे से चला गया, साइकिल वाले आगे जा रहे हैं। बताओ इससे बढ़िया हम साइकिल ही ले लेते, स्कूटी मेरी कद्दू के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो इधर से हमें जाना पड़ेगा नीचे, कोई रास्ता नहीं है, ये टूटा फूटा रास्ता मिला है। कैमरा मैन थोड़ा आगे दिखाइए, इस रास्ते से मैं लूंगा अपनी स्कूटी, बहुत ही रिस्की होगा गाइस, थोड़ा रिस्की होगा। कैमरा मैन पूरा लीजिएगा गाइस, थोड़ा रिस्क का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गाइस रास्ता है ही नहीं, रास्ता पीछे छोड़ा है हम और हमें जाना होगा जल्दी। तो चले गाइस चलते हैं। सो गाइस फाइनली ये रहा हमारा मौसी का घर, देख सकते हो, और ये भड़ुआ मैन भेज देती है। और गाइस आप देख सकते हो ये रहा पिंजरा, जहाँ पर मुर्गियाँ और बतख रहते हैं, और यहाँ पर अंडे दिए हैं। तरुण भाई साहब अंडे को निकालिए। मैं नहीं निकालूंगा। अरे तो देखते हैं अंडे कहाँ है। ये ले जा, डंडा ले जा। अंडे 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 बो रहे, अंडे कितने हैं? हाथ नहीं जाएगा। तीन अंडे, सही है, तीन अंडे और हम तीन लोग, आराम से हो जाएगा आज का हमारा भोजन। कोने में और दो अंडे पड़े थे, सब मिला के हो गए 5। सो गाइस अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।